प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फैमिली कोर्ट जज ने किया बार अध्यक्ष के साथ अभद्रता। समाप्त होगी संविदा कर्मियों की सेवाएं। सपा की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन हुआ बंगाल में, इस दौरान ममता बनर्जी के साथ नजर आए अखिलेश यादव। दबंगों के हौसले हुए बुलंद, युवक को पीटने का वीडियो हुआ वायरल। निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरा मजदूर, बिल्डिंग से गिरकर मजदूर की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां संभल में कोल्ड स्टोरेज गिरने के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस हादसे में कुल 14 मजदूरों की मौत होने की खबर सामने आई है। तो अब तक कुल 14 मजदूरों की मौत होने की खबर संभल से सामने आई है। लगातार वहां पर राहत और बचाव का काम जारी था। वही कोल्ड स्टोरेज में यह हादसा हुआ था, जिसमें एक हिस्से की छत गिरने से मलबे में दबे 22 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। बता दें कि उन मजदूरों में से 14 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 मजदूरों का इलाज चल रहा है। तो वही अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और दमकल की टीम में लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हैं। वही इस मामले में डीएचओ को निलंबित भी कर दिया है। साथ ही इस मामले पर मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। बाकी 13 लोग यहाँ पर, 13 डेड बॉडीज निकाली गई, तो टोटल मृतकों की संख्या वो 14 है और 10 लोग जीवित हैं, जिसमें से 6 लोग को डिस्चार्ज किए जा चुके हैं हॉस्पिटल से। 3 लोगों का अभी भी, सॉरी 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। 3 लोग जिसमें से TMU में हैं और एक मेरठ रेफर किया गया। तो सर, क्या बचाव कार्य पूरा हो चुका है? बचाव कार्य पूरा हो चुका है और अब हम अंतिम जो कड़ी है वो मलबा यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और अभी यहाँ पर सारा कुछ डिस्पोजल करने के लिए पूरी टीम बस लगी हुई है। अब ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वहाँ नीचे कोई, क्योंकि हम नीचे तक पहुँच चुके हैं, तो अब रेस्क्यू का काम कंप्लीट हो चुका है। अच्छा सर, जो जिन फार्मरों का यहाँ पर आलू रखा हुआ है, वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुबारक अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, संभल में जो कोल्ड स्टोरेज गिरने से जो हादसा हुआ है, उसमें 14 मजदूरों की मौत की खबर है, तो अभी तक किन किन अधिकारियों पर गाज गिरी है इस मामले पर? आपको बता दूं, जनपद संभल के इस्लाम नगर और लोसी रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। बरनई रोड पर ये मिल था, मिल में इसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है और करीबन 11 लोगों का इलाज जारी है और सभी सामने खुद घटना का पुष्टि की है और उसमें और इस पर रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू करने के बाद में और दो कई अधिकारियों पर भी गाज गिरने की बात की गई है और एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है और कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद इनकी गिरफ्तारी जारी है। मुबारक, मुआवजे को लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्या जो भी मृतक के परिवार है उनको मुआवजा दिया जाएगा और अगर दिया जाएगा तो कितने का मुआवजा दिया जा सकता है? आपको बता दूं, जो मृतक के परिवार दो लाख का जो मुआवजा देने की बात कर रही है योगी सरकार, उस पर उसे कभी संतोष नहीं है। मृतक के परिवार वाले और मृतक के परिवार वालों ने भी जो कहा, जो किसानों के जो आलू भी उसमें काफी नुकसान हुआ है, किसानों का भी कोई कमी साफ से हमारी कुछ बातचीत हुई है। बातचीत करने के बाद में उन्होंने ये पुष्टि नहीं की है, बोले जो इसका जिम्मेदार कौन होगा, वो कौन अधिकारी जिम्मेदार हुआ, ये खुद मिल वाला जिम्मेदार हुआ आलू का जो नुकसान हुआ है उसके अंदर। बिल्कुल, धन्यवाद मुबारक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
खबर अलीगढ़ से है, जहां बार काउंसिल के अध्यक्ष संतोष कुमार वरिष्ठ के साथ फैमिली कोर्ट द्वितीय की जज के द्वारा अभद्रता करने के मामले पर सभी वकीलों ने इकट्ठा होकर फैमिली कोर्ट के सामने नारेबाजी और हड़ताल किया है। वही पूरे मामले को लेकर बार काउंसिल अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि एक मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने सहायक वकील को जज के पास भेजा था, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने पर वो खुद कोर्ट में गए और वहां काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब जज बाहर नहीं आई तो उन्होंने उनको आवाज लगाई, जिसके विरोध में जज भड़क उठी और उनके साथ अभद्रता करने लगी। उस समय पैरवी में कोई बात हुई तो उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप चलिए, तो मैं अपने जूनियर के साथ गया। वो 2:15 बजे तक नहीं बैठी, मैंने 10 मिनट इंतजार किया, 2:25 तक नहीं निकल के आई, तो मैंने जोर से कहा मैडम से कहिए बाहर निकल के आए। मैडम अंदर से निकल के आई और बुरी तरह से गुस्से में, उनका मुंह लाल हो रहा था, बोली आप कौन हैं, आप कैसे आए, इसी तरह से टोन में बात करती हुई। मैंने फलाने मुकदमे में आए, हमने कुछ नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं कहा, भाई बात तो सुन लें, ऑर्डर आपका सर्वोपर है, हम लोगों की बात सुन लें। खबर लखनऊ से है, जहां बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर AK शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि आपूर्ति हमारे नियंत्रण में है और छोटी मोटी घटना के अलावा कुछ भी नहीं है, ये चिंता और चुनौती की घड़ी है, इस वक्त संयम बनाए रखें। और साथ ही कहा कि जो कर्मचारी सरकार के साथ है, अपनी सेवा देना चाहता है, उसे कोई रोके ना जनप्रतिनिधि, इसका ध्यान रखे। और साथ ही NTPC के मेन पावर प्लांट चलाने के लिए धन्यवाद भी दिया है। ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति, सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है, ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। जनता से एक और निवेदन करना है, जनता से और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से, कि जो कर्मचारी इस परिस्थिति में सरकार के साथ हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। वही बिजली कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए जिलाधिकारी बस्ती सेवा द्वारा निवृत्त कर्मचारियों से ये अपील की गई है कि वो आकर बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए अपना योगदान दें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 48 संविदा कर्मियों की अस्मा के तहत कार्रवाई करते हुए सेवाएं समाप्त भी कर दी जाएंगी। बता दें कि बस्ती के आला अधिकारियों की मेहनत उस समय रंग लाए जब बस्ती शहर के दोपहर लगभग 3 बजे सारे फीडर सुचारू रूप से संचालित कर दिए गए। बता दें कि जिले के मुख्य बिजली केंद्र गिदही, जिससे जिले में सभी उपकेंद्र संचालित किए जाते हैं, उसमें बाधा आ गई थी, जिसे मरम्मत करते हुए उसे एक बार फिर से दोपहर 3 बजे संचालित भी कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन सुनिश्चित है, इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सहित सभी बड़े नेता कोलकाता पहुंचे और अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास हो रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा हम वो करने को तैयार हैं। का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, बंगाल से सफाया हो, यूपी से सफाया हो और दक्षिण भारत से भी सफाया। प्रधानमंत्री के लिए किसी का नाम बैठक बोली जा सकती है, क्या होगा आने वाले समय में ये चुनाव के बाद ही तय होगा। आप लॉन्ग बर्न के बारे में सवाल उठाया जाता है भाजपा की ओर से कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, आपको कोलकाता आने के बाद क्या लगा? भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार में वहाँ कहीं लोकतंत्र नहीं बचा।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है, इस दौरान इस कार्यकारिणी बैठक में कौन कौन से दिग्गज नेता मौजूद रहे और क्या कुछ खास देखने को मिला? जी मुस्कान, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में की राजधानी कोलकाता में सपा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन हो रहा है। आपको बताया कि ये सम्मेलन आज से शुरुआत की गई है और 17, 18 और 19 यानी कि 3 दिनों तक चलेगी। आज समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता कोलकाता पहुंचे, जहां अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नड्डा की अगुवाई में ये पूरी कार्य समिति की बैठक हो रही है। बात करें तो समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। साथ ही अगर बताया जाए तो कई विधायकों को भी ले गया गया है जो वरिष्ठ है, जो कई मरतबा विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसमें पार्टी की आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रखते हुए जो 30वें मोर्चे की सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं इस कार्य समिति की बैठक से देखने को मिल रही है। बिल्कुल विभांशु, जैसा कि आपने बताया कि तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद होने के लिए पहुंचे और इस बैठक में मौजूद भी रहे, लेकिन एक बड़ा सवाल था कि आजम खान इस बैठक में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये क्लियर हो गया है कि वो नहीं पहुंचे, तो क्या कुछ वजह बताई जा रही है कि वो इस कार्यकारिणी बैठक में नहीं पहुंचे? जी मुस्कान, आपको बताएं कि आजम खान की आज रामपुर कोर्ट में पेशी थी, साथ ही उनके ऊपर आज 3 मुकदमे में उनकी पेशी हुई है और स्वास्थ्य संबंधित कारणों की वजह से वो नहीं गए हो, वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। मगर बात करें तो इस कार्य समिति की बैठक बंगाल में होने से साफ है कि 30वें मोर्चे की जो सुगबुगाहट है उसमें कहीं ना कहीं बातें तेज हो गई हैं। जहां कार्य समिति के बैठक से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, साथ ही अगर बात करें तो तमाम कई दिग्गज नेता आज ममता बनर्जी जो की मुख्यमंत्री है बंगाल की, उनसे मुलाकात करते हैं। इससे जो तस्वीरें आई है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सभी दल कहीं ना कहीं बैठक से साफ हो रहा है कि 30वें मोर्चा बन सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद दीपांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद में लगातार दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला थाना मधुबन बापू धाम का है, जहां पर दबंग एक युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में एक युवक को कुछ लोग घेर कर पीट रहे हैं। वही दबंग युवक इतने बेखौफ है कि ना तो उन्हें पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का। हो रहा है जिसमें कुछ युवक रोड पर आपस में मारपीट कर रहे हैं तथा एक दूसरे को पीट रहे हैं। इस वीडियो की जब जांच की गई तो ये पाया गया कि ये थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम से संबंधित है। इसमें जो युवक हैं मारपीट करते हुए, उनको चिन्हित करने के लिए टीम गठित की गई है। शीघ्र ही इनको पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरदोई में कोतवाली शहर के रेलवे गंज चौकी क्षेत्र में आवासीय मोहल्ले में जुआरी लाखों का जुआ खेलते हैं, जिस पर रेलवे गंज पुलिस की नजर तक नहीं पड़ती है। तो वही मोहल्ले वासी इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अब वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस तब भी आंख बंद करे हुए बैठी हुई है। जबकि मोहल्ले वालों का आरोप है कि कई बार पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर आई, लेकिन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। खबर कानपुर से है, जहां कोर्ट में फूट फूट कर रोते हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने कहा कि पुलिस और सरकार ने परेशान कर लिया है। महाराजगंज जेल में भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार परेशान हो चुका है और हम सभी थक चुके हैं। और साथ ही कहा कि जेल में छोटी सी जाली से मुलाकात करवाते हैं, वही कानपुर कोर्ट में 5 मिनट की भी मुलाकात नहीं करने देते हैं। ऊपर वाला है मेरे साथ इंसाफ हो गया, अब धक्का तो यार इनके खिलाफ तुम लोग नहीं चलाते, ये धक्का क्यों मारते रहते पुलिस वाले? हम विधायक है या अपराधी है, आतंकवादी है क्या हम? ये हमेशा देखो धक्का मारते थे, वो देखो गला पकड़ लेंगे, ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो, ये पुलिस वाले बदतमीजी करते ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम क्या है, धक्का मारा करते हमें? चल रहे भाई बात ना कर, यार तुम लोग क्यों आते जब ये बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोग को, ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी है जानवर है, बंदर हो गए हम, गधे हो गए भैया। इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले ले हमसे। की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ है, इंशाल्लाह जीत कर आएंगे हम लोग।
सब निर्दोष है, हम सब निर्दोष है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। साजिश जो भी हो सब दुनिया में सब आदमी देख लेंगे, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। वो भी मेरी माँ की दुआ थी जब विधायक बने थे, और ये भी मेरी माँ की दुआ है, जीत कर आएंगे हम लोग। हम क्या इनको त्याग दें क्या, मरा हुआ समझ लें क्या? इतनी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है, पूरी सर्दी निकल गई, इतनी गर्मी है, मौसम में रमजान आ रहे, हम लोग कहाँ जाएं बताइए? हमारी परेशानी नहीं दिखती योगी जी को, एक औरत ने झूठ बोला, आग लगा दी, उसके यकीन कर लिया, हम लोग रो रहे हैं, हमारी बात तो यकीन ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। हम लोग कहीं भी गुनहगार नहीं, हम लोग के ऊपर सारे मुकदमे झूठे हैं, एक भी सच्चा नहीं, सब झूठे मुकदमे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, इरफान सोलंकी का गुस्सा साफ तौर पर कोर्ट के बाहर देखने को मिला जब उन्होंने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस हमको धक्का देती है तब मीडिया वाले कुछ नहीं बोलते हैं, पुलिस हमें गधे घोड़े की तरह करती है तब कोई कुछ नहीं बोलता है। जी बिल्कुल, मुस्कान मैं बता दूं आपको कि जिस हिसाब से इरफान सोलंकी ऊपर पुलिस इस तरीके से व्यवहार कर रही है तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के साफ तौर पे नाराजगी देखने को मिली। और इससे पहले भी एक क्रम हुआ था, जब इससे पहले सुनवाई हुई थी उसमें भी इरफान सोलंकी के साथ पुलिस के माध्यम से इसी तरीके का सलूक किया गया था। ठीक उसी के चलते कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी का गुस्सा इस बार फूटा है, और फूटने के बाद में और इरफान सोलंकी के भाई भी इसी तरीके से बोल रहे थे, और इरफान सोलंकी ने यह भी बोला है कि आप लोगों ने मुझे कुत्ता गधा इस तरीके के बात भी बोले हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी कि अभी इरफान सोलंकी सिर्फ दोषी साबित हुआ, भी कोर्ट ने इस पर निर्णय नहीं दिया है। इसके अलावा बता दूं कि उनकी वाइफ भी, उनके वाइफ को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी आपत्ति उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताई है कि कितनी तकलीफ में है, और उनके बच्चों से भी किसी तरीके से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल अनिल, जैसा कि हमने देखा कि जो फैसला है वो भी उनके पक्ष में नहीं आया है, ऐसे में क्या कहा जाए कि ये इरफान सोलंकी की बौखलाहट देखने को मिल रही है उनके बयानों में? जी अनिल, किस तरीके से गुस्सा है और किस तरीके से वो अपने वाक्य पेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी पूरी तरीके से ग्रस्त हो चुके हैं और इस तरीके से बबलाहट दिख रही है। और इरफान सोलंकी का हर सुनवाई पे एक सायराना अंदाज रहता है, लेकिन इस बार उनका सायराना अंदाज नहीं था और बिल्कुल बबलाए हुए थे, क्योंकि आज जो उनके दोषी साबित हुए हैं, और दोषी साबित तो जांच का है और आगे ट्रायल चलेगा। इससे पहले आधार कार्ड के मामले में इरफान सोलंकी को आज आरोप तय किए गए हैं, अब छह महीने या उससे ऊपर ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद यदि इरफान सोलंकी दोषी पाए जाते हैं तो इरफान सोलंकी जो हो सकता है विधायक भी जा सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुशीनगर जिले के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के दूसरे मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई है, जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं साथ में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि मृतक मजदूर का नाम हरि प्रसाद था, जो बिहार के जिला कटिहार चौनी गांव का रहने वाला था। काम करने के दौरान अचानक शरीर अनियंत्रित हो गया और दूसरे मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई। मैं आया तो तभी एक्सपायर कर गया था। ठीक है, तो यहाँ से उनको उनके साथ में उनके पेरेंट्स थे, गार्जियन वगैरह लोग थे, तो गार्जियन को मैंने इन्फॉर्म कर दिया और मैंने पीआई कर दिया, पुलिस मेंशन कर दिया है, ताकि पुलिस मेंशन करेगी। उसके बाद से आने के बाद जो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर बिजली कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 72 घंटों से जारी है। शुक्रवार की शाम को एडीएम वित्त एवं राजस्व त्रिभुवन ने कलेक्ट्रेट में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि जिले में बिजली कर्मियों की हड़ताल का कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले में विद्युत आपूर्ति के लिए संविदा कर्मी लगातार काम कर रहे हैं और प्रत्येक पावर हाउस पर मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आगे उन्होंने कहा कि जैसे बिजली कर्मियों के हड़ताल पर जाने पर यह भ्रांति फैलाई जा रही थी कि जिले में विद्युत आपूर्ति को लेकर संकट पैदा हो सकता है, इस भ्रांति को दूर करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। जो भ्रांति थी कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और उस भ्रांति के निराकरण के संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें अवगत कराना है कि कुल जनपद में 5 जोनों में हमारा विद्युत क्षेत्र है, जिसमें 751 संविदा कर्मी लगे हुए हैं जो हड़ताल पर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त 333/11 के हमारे यहाँ 43 विद्युत केंद्र हैं,
जहां पर जिला अधिकारी महोदय द्वारा मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई। खबर आगरा से है, जहां थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे लाइन नगला पुलिया के पास 13 तारीख को शौच करने गए मासूम बच्चे के साथ एक अज्ञात युवक ने दुष्कर्म किया और मासूम बच्चे के साथ मारपीट भी की। वह इस मामले की सूचना मिलते ही डीसीपी सिटी मौके पर पहुंचे और 6 टीमों का गठन कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साहिद उस्मानी पुत्र जहीर उस्मानी निवासी शिवनगर गाटर वाली गली थाना शाहगंज आगरा है को गिरफ्तार कर लिया है। जब बच्ची वहाँ सुबह सुबह शौच करने के लिए गई थी, यह व्यक्ति वहीं मौजूद था और उस बच्ची को देखकर उसे उठाकर ले गया और इसने उसके साथ दुष्कर्म किया और जो चोटें भी आई थी इसी ने उसे पहुँचाई थी। इसके बाद से वो फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को मौके पर ले जाकर धारा 27 के अंतर्गत पूरे घटना का वीडियो बनाया है, जिसमें वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने कैसे कैसे घटना की है। और इसके अलावा पुलिस ने उसके आगरा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद डीसीपी विकास कुमार ने उसकी तलाश के लिए 6 टीमों का गठन किया था। आपको बता दें कि आज डीसीपी विकास कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि सांगंज पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। फिरोजाबाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, ऐसे में एसडीएम ने लेखपाल और अमीनों को विद्युत उप केंद्रों पर तैनात कर दिया है। वहीं नायब तहसीलदार को व्यवस्था देखने के भी आदेश दे दिए गए हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी के मिले निर्देशानुसार एसडीएम शिव ध्यान पांडे ने तहसील के टाउन और देहात सर्किल के 13 विद्युत उप केंद्रों पर लेखपालों और अमीनों की ड्यूटी लगाई है। हड़ताल के दृष्टिगत आम जनमानस को कोई समस्या न हो और हमारे विद्युत उपकेंद्र भी अच्छे से काम करें, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हमने अपने तहसील में 13 विद्युत उपकेंद्र हैं, सभी पे 24 आवर अपने लेखपाल अमीन की ड्यूटी लगा रखी है। नायब तहसीलदार साहब और तहसीलदार साहब भी हमारे भ्रमणशील हैं, मैं स्वयं भ्रमणशील हूँ। सुबह से शाम तक सभी उपकेंद्रों का निरीक्षण किया जाता है और सभी उपकेंद्रों पर प्रयास करके। खबर लखनऊ से है, जहां उप मुख्यमंत्री ने पीजीआई में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया और इस दौरान कहा कि मरीजों की जान बचाने में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की अहम भूमिका है और साथ ही कहा कि नर्सिंग क्षेत्र में अच्छे छात्रों को लाने की पहल की गई है। इंटर कॉलेजों में छात्र छात्राओं से संपर्क कर काउंसलिंग भी की जा रही है ताकि नर्सिंग के प्रति लोग जागरूक हो सके और नर्सिंग पेशे को चुने। अब तक प्रदेश के 240 इंटर कॉलेजों में संपर्क किया जा चुका है और छात्रों को नर्सिंग की पढ़ाई और रोजगार के अवसरों से रूबरू भी कराया गया है। और 7 साल के बाद क्या काम बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, ऐसी पैक करनी है, 4 बटन अगर है तो 1 बटन टूट गया तो दूसरे का तोड़ के लगा दिया, फिर बच्चों को शर्ट नहीं सिला दिया, यही होता है हमारे जीवन ऐसे ही है। तो अब ये 30 बरस में हमें सब कुछ अपना करके जाना, अपने फुटप्रिंट को छोड़ करके जाना। अगर हमने सब कुछ ऐसे कर दिया तो कौन तुम्हें याद करेगा? और आप ही हो अपने हस्ताक्षर बनाने वाले, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। और हमें स्वयं प्रूफ करना है। आप लोग सोचते होंगे कि प्रतिदिन हम 2-4 हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, हम बता के नहीं जाते। हमारा मानना है कि हम अपनी ड्यूटी को अगर परफॉर्म नहीं करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।